मुबारक हो बहुत बहुत रूपा जी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगी आपकी अपकमिंग फिल्म फरिश्ता खेसारी जी के साथ में आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगी? हाँ, सबसे पहले मैं हूँ पूजा गांगुली जी, हूँ तो फिलहाल कलकत्ता से, बॉन्ग गर्ल, पर मैं कर रही हूँ भोजपुरी। अपना फरिश्ता रिलीज़ हो रहा है 9 तारीख को, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इससे पहले खेसारी जी के साथ मेरा 3 फिल्म रिलीज़ हो चुका है, पर अभी फरिश्ता को लेकर एक्सपेक्टेशंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ चुका है, क्योंकि अपना ट्रेलर आने के बाद वो ट्रेंडिंग में आ चुका है, अभी ट्रेंडिंग में 2 में है। तो ये जितने भी कलाकार है इस फिल्म में, जितने भी डायरेक्टर से लेकर राइटर जो भी है, सब लोग एक्सपेक्टेशन बढ़ चुका है सबका ही, तो मैं तो हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि ट्रेलर आने के बाद, इससे पहले भी मैंने जितना भी पिक्चर किया है उसमें देखा जाए तो ठीक है, मतलब रिस्पांस तो अच्छा ही मिला है, पर इसमें तो कुछ ज़्यादा ही रिस्पांस मिल गया मुझे। खेसारी जी के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था इसमें? खेसारी जी के साथ काम करना मतलब विदाउट डर, मतलब जैसे कि होता है कि बिग स्टार के साथ अब जब काम करने जाते हो तो टेंशन होता है कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि कि एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम मेरा, जैसे कि मैं बंगाली हूँ और मुझे बोलना पड़े भोजपुरी, और शूटिंग के टाइम में अगर मेरे वजह से रीटेक लेना पड़े तो मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी। तो ये सब ध्यान में रखते हुए जब मैं डायलॉग डिलीवरी करती हूँ तो थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ, पर जब मैं खेसारी जी के साथ रहती हूँ, क्योंकि कूली नंबर 1 से मेरा पहला पिक्चर शुरू हुआ, उसके बाद एक साजिश जाल, उसके बाद शादी हो तो ऐसे, रवि फरिश्ता, तो 4 फिल्म जैसे हो रहा है, तो उसके वजह से लाइक जब मैं उसके साथ रहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और देखा जाए कि जब डायलॉग डिलीवरी होता है तो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत आराम से समझाते हैं। रूपा जी, अगर बात करें तो कंफर्ट जोन कितना रहता है? कंफर्ट जोन, ओके, कंफर्ट जोन कितना रहता है? अच्छा, जैसे कि हाँ, जैसे कि लाइक जब हम शूटिंग पे जाते हैं, एक तो एज ए को स्टार वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, डायलॉग जब स्क्रिप्ट आता है तो मैं तो उनसे डायरेक्ट बात कर लेती हूँ शूटिंग से पहले कि कैसे क्या करना है नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो बहुत ज़्यादा समझा देते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही मैं कंफर्ट हूँ बोला जाए तो ऐसा। और कुछ शूटिंग के बारे में, कहाँ इसका शूट हुआ था, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए, कोई ऐसी नटखट बातें वहाँ पे कितना कुछ होता है, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो कोई ऐसा खास जो आपके दिल को छू गया हो? हम लोगों का शूट था लखनऊ में, हम लोग लखनऊ में थे, मुझे याद है, आप ट्रेलर देखोगे तो वहाँ पे अपना एक गाना है करिया ड्रेस, तो मुझे याद है लास्ट अप्रैल में 48 डिग्री था जब वो गाने का शूट चल रहा था हम लोगों का, मतलब गर्मी मतलब आप सह नहीं पाओगे, ऊपर से मुझे ब्लैक ड्रेस पहनना पड़ा, हमको मालूम है कि ब्लैक से गर्मी ज़्यादा लगते, पूरा बार बार हम लोग नीचे पानी डाल डाल के वो गाना का शूट कंप्लीट, क्योंकि पूरा गाना डे लाइट में था तो सब लोगों का एक टेंशन था कि गाना कंप्लीट करना है, पर जब ट्रेलर आया, क्या होता है ना कि कुछ बोलते हैं कि वो कष्ट का फल आया, मतलब ऐसा लगता था कि वो ट्रेलर आने के बाद ना वो जो सुकून मुझे मिला कि उस टाइम इतना तकलीफ हो रहा था वो गाने शूट के टाइम में, बार बार मुझे याद है सिर्फ पानी पी रहे हैं, और मतलब नॉट मी, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, जितने भी सपोर्टिंग डांसर लोग थे, सब लोगों को बार बार रुमाल से ऐसे 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 करे, फिर भी तो हम लोगों को पंखा मिलता है, हम लोगों को छत्ता मिलता है, वो लोग तो मतलब आजू बाजू में सब ऐसे ही बैठे थे, मतलब सब लोगों ने जितना कष्ट किया है ना, ये गाना रिलीज जब हो रहा है सबको मालूम पड़ेगा, मतलब ऐसा है। और बाकी तो शूटिंग के टाइम हम लोग बहुत मस्ती करते करते शूट कर लेते, कब शूट ख़त्म हो जाता है समझ भी नहीं आता, और जब वापस आते हैं तो लगता है कि फैमिली छोड़ के घर आ रहा है ऐसा लगता है।